हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारे गाड़ी के ऊपर हमने जो जो पेंट किए हैं जिनके अंदर हमारे ये व्हील कवर आ जाते हैं, फिर हमारे ये आता है लेफ्ट वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट और राइट साइड के अंदर भी जो ए रुक जा पहले इधर ही राइट वाला हाँ तो वो तो होगा ही ना यार, इधर उधर भी करेंगे यार, कैसी बात कर रहा है। हमने फिर इसके ऊपर हमने डिक्रोम भी किया था इसको टाटा के लोगों को, तो ये कुछ तो बाकी तो वो तो अलग मॉडिफिकेशन हो गया, बाकी हमने टॉप मॉडल की तरह किया था, पीछे की तरफ भी सेम हमने मॉडिफिकेशन किए हुए जो कि टॉप मॉडल की तरह, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है और राइट साइड के अंदर वो वाला पार्ट ऑफिस आ जाता है। तो जयपुर में अभी बढ़िया मौसम हो रखा है, बढ़िया काले वाले बादल रखे हैं, आज शाम का बताया तो है, बता तो कल शाम को भी रहता है पर आज देखते हैं आती कि नहीं आती। तो हमने ये जो पार्ट्स किए हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये वाला व्हील कैप वाला किया हुआ था, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में, तो मतलब ऑलमोस्ट इसको तो हमारे 2 साल होने वाले हैं, बाकी जो पेंट है उसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है या फिर हो चुका है 1 साल, तो मतलब 1 साल के नियर का बताए थे क्या डिफरेंस रहा और क्या फ़र्क आया अभी तक। और इनकी अगर हम बात करते हैं काम करने की लिंक और कैसे हमने क्या किया उसकी सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आपको अगर करना है तो आप घर पे कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं, स्प्रे करने लेने आपको और बहुत इजीली हो भी जाएगा। तो ये है हमारा टाटा नेक्सॉन XMS मॉडल जो कि अभी आपको दिख रहा होगा कुछ टॉप मॉडल से मिलता जुलता, हालांकि हमने स्टार वाले नहीं किए, आप भी कर सकते हो उसको इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमको पसंद नहीं आ रही तो हमने छोड़ दिया इसको। तो अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए तब से अभी तक। सबसे पहले हमने जो मॉडिफिकेशन किया, सबसे पहले जो हमने पेंट किया था वो किया था हमारी व्हील कैप्स के ऊपर, तो वहाँ पर चलते हैं पहले व्हील कैप। तो ये कुछ डायमंड शेप के अंदर हमारे अलॉय टाइप के दिखने वाले और व्हील कैप्स हैं और ये हमने घर पे किए थे और कैसे किए थे उसकी लिंक आपको मिली होगी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप देखोगे अगर इसको कंपैरिजन करोगे तो एक नॉर्मल XMS से तो आपको मालूम चलेगा डिफरेंस कि इनके इसके अंदर और नॉर्मल XMS के अंदर क्या डिफरेंस आता है, उसके अंदर बिल्कुल ही प्लेन अपने व्हील कैप देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं कि पेंट की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है अभी तक, तो देखो इसके अंदर छोटे छोटे आपको ड्रॉप्स दिख जाएंगे जो कि आपको अभी विजिबल होंगे नहीं यहाँ से बिल्कुल भी और मुझे भी नहीं हो रहा यहाँ से विजिबल, बट वो जो छोटे छोटे वो हैं जो आपके छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर आगे लगते हैं जो कि अलॉय पे भी हल्के हल्के मार छोड़ देते हैं, उनके निशान जरूर हैं बट पेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पेंट अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है और देख के लगता ही नहीं है कि घर पे पेंट किया हुआ है, बहुत ही सही काम कर रहा है। जैसे कि आपने अगर पेंट करवाया तो लगता है बाहर ही पेंट करवाया आपने, घर पे नहीं किया हुआ, स्प्रे कैन से किया ही हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पेंट की हमारे, तो सेकंड पार्ट ये है हमारे फ्रंट के ये नीचे बॉटम वाला लिप हो गया और साइड वाले अपने छोटे छोटे से यू शेप के हो गए और पीछे की तरफ भी सेम, तो अपने सेम टाइम पे किए थे इसको, 1 साल के लमसम हो चुका है या फिर ज़्यादा हो चुका है। इसकी अगर बात करते हैं आपको नज़दीक से देख लो इसको, अभी तक कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि फेड हो गया है कलर या कुछ हो गया है, बिल्कुल वही लग रहा है कि जैसे कि आपने कंपनी से जैसा आता है वैसा ही लग रहा है। तो इसकी अगर मैं आपको देखो कमी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ की कमी है, क्या डिफरेंस है अपने ओरिजिनल वाले के साथ में, बाकी आपको देखने में 1 टाइम या 10 टाइम देखने में पता भी नहीं पड़ेगा अगर आप गहराई में जाओगे, जैसा कि मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी ऊपर भी एक छोटा सा ये लगा हुआ है, तो जैसे ही कोई भी बड़ा पत्थर या फिर कुछ चीज़ लगती है उस टाइम पे ये पेंट है जो ये आपको उतर जाता है, ये हालांकि विजिबल है नहीं फ्रंट से। अब अगर आपका टॉप मॉडल होगा तो मुझे लगता नहीं है उसमें ब्लैक वाला पार्ट निकले, मुझे कंफर्म भी नहीं हो सकता ब्लैक वाला पार्ट निकले, बट इसके अंदर ब्लैक वाला पार्ट ही निकलता है। अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको कुछ नहीं करना है, वो क्लीन करना है और ऑफिस से आपके पास जो स्प्रे पेंट पड़ा हुआ है पुराना बचा हुआ उसका वो उसके ऊपर कर देना, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये पहले से स्टॉक था, मतलब यहाँ पे स्क्रैच थी या नहीं थी, कोई मिला आफ्टर मार्केट में और पहले से OEM के अंदर कोई फर्क नहीं है, कुछ लगेगा तो पेंट दोनों में उतरेगा। सबसे बढ़िया जो पेंट हुआ वो इसका हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये टॉप मॉडल वाला और बिल्कुल स्मूथनेस इसके अंदर। और बताया तो आपको मैंने कि इसके अंदर डायरेक्टली पेंट यूज़ किया था, इसके अंदर कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया था। अब चलते हैं हमारे एक और मॉडिफिकेशन ऊपर जो कि किसी भी मॉडल से इंस्पायर्ड नहीं था, ये हमने खुद की मर्जी से किया था, वो था डीक्रोम टाटा के लोगों का। अब आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि ये दिखने में लगता है ब्लैक ही है, बट अगर आपको छोटी छोटी कमी दिखाऊं जो कि एक गाड़ी वाला बंदा मतलब जिसको गाड़ियां पसंद रहती हैं और ज़्यादा खोज खबर करता है गाड़ी की उसको पता पड़ेगी, तो देख लो यहाँ पे हल्का हल्का पेंट जो आपके इस क्रोम के से ऊपर से हटा हुआ है और ये अपने आप कटा है, या तो हल्का सा कुछ ना कुछ इसके ऊपर टच हुआ होगा, मतलब कि जैसे पेड़ वगैरह कहीं पर खड़ी करते तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ हो, अदरवाइज ये अपने आप या तो पानी की वजह से तेज़ पानी की बौछारों की वजह से हटा है। उसके ऊपर अगर क्रोम पार्ट के ऊपर करना सजेस्ट नहीं करूंगा आपको मैं घर पे करेंगे, अगर आप बाहर से करवाओगे इसको हाइड्रोटिप वगैरह करवाते तो बहुत बेटर रहेगा, अदरवाइज इसके ऊपर प्राइमर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा हमको जो कि हमने नहीं किया था, हमने डायरेक्टली पेंट ही किया था उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल ट्रूथ वाली बात मैंने आपको बता दी था कि कोई झूठ साच रही नहीं इसके अंदर, आपको क्लियरली बता रहे। और देख लो फ्रंट से दिखने में कुछ इस तरीके से हो गया है गाड़ी का लुक, पिछले 2 साल के अंदर हमने पिछले 1.5 साल के अंदर कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन हमने गाड़ी के अंदर कर दिया, तो और ये गाड़ी अब बिल्कुल लगता नहीं कहीं से भी कि XMS है। हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं वो भी हमने उसके ऊपर फिल्म स्मोक किया हुआ है, तो स्मोक भी पता ही नहीं पड़ता कि स्मोक डे अगर आप डायरेक्टली देखोगे गाड़ी को और ध्यान नहीं दोगे उस जगह के ऊपर तो लगता ही नहीं कि XMS मॉडल है, लगता टॉप मॉडल है या फिर XZ मतलब जिसके अंदर ये पेंट वगैरह आते हैं वो है। तो अगर आई गाड़ी टॉप मॉडल के पास भी खड़ी होती है ना तो भी लोग इसको जरूर देख के जाते हैं, चाहे उसको देखें ना देखें क्योंकि थोड़ी सी यूनिक दिखती है,
इसके ऊपर हमने ये चीज़ें कई चीज़ें लगा दी। दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोगों के डाउट थे तो हमने क्लियर कर ही दिए कि ये पेंट वगैरह अभी तक सही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी काम है और बढ़िया दिखती गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस होता है और बहुत सस्ते के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू मच।